कल 16 दिसंबर से भामखेड़ा रोड पर हनुमानगढ़ी में शुरू होने जा रही शिव महापुराण कथा के उपलक्ष्य में आज स्थानीय जिला स्टेडियम से हनुमानगढ़ी तक भव्य मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की सांसद नवनीत राणा सहित 50,000 से अधिक महिलाएं व युवतियां अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर सहभागी हुई। इस मंगल कलश यात्रा के चलते आज पूरा शहर शिव भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया और पूरे शहर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जयघोष सुनाई देते रहे। इस मंगल कलश यात्रा का शहर में सभी स्थानों पर बड़े उत्साहपूर्ण उत्फूर्त ढंग से स्वागत किया गया। इस मंगल कलश यात्रा के लिए आज सुबह से ही लाल पीले व केसरिया परिधानों में सजी महिलाएं व युवतियां जिला स्टेडियम पर पहुंचने लगी थी, जिसके उपरांत दोपहर 1:50 पर सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा का जिला स्टेडियम परिसर में आगमन हुआ, जहां पर राणा दंपति ने सभी उपस्थितों का अभिवादन किया। इस समय जिला स्टेडियम पर उपस्थित कौंडिन्यपुर स्थित रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश और मावली सरकार व शक्ति पीठ के पीठाधीश और शक्ति महाराज की उपस्थिति में सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने अयोध्या से लाए गए पवित्र मिट्टी व जल से भरे कलशों का पूजन किया। इस समय सिखवालपुरा स्थित गणेश मंदिर के पंडित राधेश्याम शर्मा व पंडित बद्री महाराज व्यास ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान गणेश व भगवान शिव का पूजन करवाया।
जिसके उपरांत सांसद नवनीत राणा सहित सभी उपस्थित महिलाओं व युवतियों ने अपने सिर पर मंगल कलश धारण किए और दोपहर करीब 3 बजे मंगल कलश यात्रा का प्रारंभ हुआ। बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शुरू हुई इस मंगल कलश यात्रा में जहां जिले की सांसद नवनीत राणा ने अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर पद यात्रा की, वहीं विधायक रवि राणा भी पुरुष भाविक श्रद्धालुओं के साथ पूरा समय पैदल चले। जिस समय मंगल कलश यात्रा राजकमल चौराहे पर पहुंची तो पवित्र कलश की महाआरती की गई। इस समय विधायक रवि राणा तथा हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक लप्पी जाजोरिया सहित अंबा देवी व एकवीरा देवी संस्थान के पदाधिकारी व अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। साथ ही इस समय राजकमल चौराहे पर भाविक श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। इसके अलावा इस कलश यात्रा के नगर भ्रमण दौरान प्रत्येक चौराहे पर सड़क के दोनों नागरिकों की अच्छी खासी भीड़ कलश यात्रा को देखने हेतु उपस्थित हुई थी और कई जगहों पर इस कलश यात्रा में शामिल महिलाओं पर बड़े उत्साह के साथ पुष्प वृष्टि की गई। आज दोपहर जिला स्टेडियम से निकाली गई मंगल कलश यात्रा का स्वागत करने हेतु अमरावती शहरवासी बेहद उत्सुक व उत्साहित दिखाई दिए और उत्साह व आतुरता का माहौल सुबह से ही बनना शुरू हो गया था, जिसके तहत दोपहर 1 बजे के बाद शुरू होने वाली मंगल कलश यात्रा के लिए सुबह 8 बजे से ही जिला स्टेडियम पर चहल पहल शुरू हो गई थी, जहां पर पहुंचने वाली महिलाओं सहित सभी भाविकों के लिए गुजराती समाज व जलाराम सत्संग मंडल द्वारा सब्जी पूरी व पुलाव सहित शीतल जल व रामचंद्र चांडक की स्मृति में चाय वितरण की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा शहर के सभी चौक चौराहों पर विभिन्न स्वयंसेवी व सामाजिक संगठनों द्वारा मंगल कलश यात्रा में शामिल महिलाओं का स्वागत करने हेतु विभिन्न तरह के अल्पाहार व शीत पेय के वितरण की व्यवस्था की गई थी। यह मंगल कलश यात्रा देर शाम तक राजकमल चौराहे से आगे बढ़ते हुए राजापेट व कवरनगर परिसर होकर दस्तूर नगर से आगे छठी तालाब परिसर तक पहुँच चुकी थी।
वहीं दूसरी ओर कल 16 दिसंबर से दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली शिव महापुराण कथा के लिए हनुमानगढ़ी स्थित आयोजन स्थल पर भाविक श्रद्धालुओं का 14 दिसंबर की रात से ही आना शुरू हो गया है। इसके तहत संभाग के 5 जिलों सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों और दूसरे राज्यों में रहने वाले भाविक श्रद्धालु आयोजन स्थल पर अपने साजो सामान के साथ बीती रात से ही पहुंचने शुरू हो गए और आज दोपहर तक आयोजन स्थल पर करीब 1 लाख श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका था, जिन्होंने कथा पंडाल में पहुंचकर अभी से ही अपने लिए जगह पकड़ ली और पंडाल के भीतर ही अपना डेरा भी जमा लिया, जिसके चलते पंडाल के भीतर जगह जगह पर डेरा जमाए बैठे भाविक श्रद्धालुओं के हुजूम व झुंड आज सुबह से ही दिखाई दे रहे थे। इन सभी भाविक श्रद्धालुओं के जत्थों का आगामी 5 दिनों तक कथा पंडाल के भीतर ही डेरा जमा रहेगा और ये लोग पूरे 5 दिन कथा पंडाल में रहकर ही कथा का श्रवण करेंगे, जिनकी सेवा के लिए कई स्वयंसेवक व सेवाधारी लगे हुए हैं। साथ ही हनुमानगढ़ी आकर रुके श्रद्धालुओं के भोजन व विश्राम हेतु आयोजन स्थल पर ही व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी व आसपास के परिसर में शहर पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित होमगार्ड के जवानों ने आज सुबह से ही अपना मोर्चा संभाल लिया है। हनुमानगढ़ी स्थित आयोजन स्थल का दौरा करने पर खरगोन से आए चंदेल परिवार की एक महिला ने बताया कि शिव महापुराण कथा के जरिए हुए चमत्कार की वजह से वे खरगोन से अमरावती आई हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा दिए गए रुद्राक्ष का जल नियमित तौर पर पिलाने की वजह से उनके परिवार की एक बच्ची का ब्लड कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया, जिसके चलते उन्होंने ये संकल्प लिया था कि वे शिव महापुराण कथा का जहाँ पर आयोजन होगा वहाँ पर सेवा देने हेतु जरूर उपस्थित होंगे।